बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना विलेज फूड देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को मोहम्मद इदरीस की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने लगे हैं टमाटो केचप। इसके लिए हमने 1.5 किलो टमाटर लिए हैं, 1 अदद प्याज बारीक काट लिया है, 1 अदद लहसुन, थोड़ी सी दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और 2 दाने सब्ज़ इलायची के, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, थोड़े से पत्ते पुदीने के, तकरीबन 1/2 कप से ज़्यादा सिरका, 1.5 कप चीनी और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम सबसे पहले टमाटरों को काट लेंगे। टमाटरों को ऐसे लंबे स्लाइसेस में काट लेना है आपको। एक एक करके हमने स्लाइसेस में सब टमाटर काट लिए हैं। अब हम मलमल के कपड़े में लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी को बांध लेंगे। ऐसे करके आपने बांध लेना है, क्योंकि ये ऐसे बांध के टमाटरों के साथ में डालने हैं। तो आइए आपको बताते हैं टमाटो केचप कैसे तैयार करनी है। अब हम टमाटो केचप तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आग हमने जला दी है और पतीले को ऊपर चढ़ा दिया है। इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल कर दें और 1.5 किलो जो हमने टमाटर काटे हैं वो साथ में शामिल कर दें। 1 अदद प्याज और 1 अदद लहसुन शामिल कर देंगे, थोड़े से पत्ते पुदीने के और लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची। 1 बार चम्मच हलाकर अच्छे से ऊपर से ढक देंगे इसको। पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपने, टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे। अब पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और तकरीबन 10 मिनट इसको जोश देंगे, बस ऊपर से ढक कर। फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक देंगे। अब हम चेक करते हैं टमाटरों का क्या हाल है। माशाल्लाह, टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इन्हें नीचे उतार कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको जग में डालकर ग्राइंड करेंगे, फिर इसको पकाएंगे। अब हम इसको नीचे उतार देते हैं। सबसे पहले हम जो सब्ज़ इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च कपड़े में बांध कर डाली थी उसको निकाल लेंगे और टमाटरों को जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक जग में निकाल लेंगे और दूसरा भी ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसको छान लेंगे छाननी में। ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सबको छान लेंगे, फिर इसको पकाएंगे। नमक मिर्च डालकर, चीनी डालकर फिर इसको पकाएंगे। टमाटो केचप को हमने छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लिया है। देखो माशाल्लाह कैसे बिल्कुल साफ हो गया, टमाटरों के बीज भी निकल चुके हैं। अब हम इसे आग जलाकर आहिस्ता आहिस्ता आग पर पकाएंगे और चीनी, नमक, मिर्च और सिरका और कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको चूल्हे पर रखते हैं। टमाटो केचप को चूल्हे पर रखकर हमने आग जला दी है।
अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, 1.5 कप चीनी है हमारे पास। 1 चम्मच सुरख मिर्च शामिल कर देंगे इसमें, 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे और इसको हलाते जाना है। इसको इतनी देर पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, बिल्कुल टमाटो केचप की शक्ल इख्तियार कर जाए। थोड़ा सा पानी अभी है इसमें जो हमने टमाटर गालने के लिए डाला था। माशाल्लाह पानी जो है खुश्क होना शुरू हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे और चम्मच हलाते जाएंगे इसमें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। अपना विलेज फूड को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और नए आने वाले व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नई नई रेसिपीज की वीडियो देखने को मिल सके। ये रमज़ानुल मुबारक में पकौड़ों और समोसों के ऊपर डालकर खाया जाएगा। माशाल्लाह केचप हमारी गाढ़ी तकरीबन गाढ़ी होने वाली है। अब हम इसमें जो कॉर्नफ्लोर हमने 2 चम्मच लिए हैं वो शामिल कर देंगे और चम्मच हला देंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें सिरका जो हमने 1/2 कप से ज़्यादा लिया है वो शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट तक और पकाएंगे, फिर नीचे उतार देंगे। माशाल्लाह केचप हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम चेक करते हैं, माशाल्लाह देखो कैसी ज़बरदस्त गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे नीचे उतार देंगे, ठंडा करके इसको बोतल में डाल दें। माशाल्लाह हमारी केचप देखो कैसी ज़बरदस्त बनी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। अपना विलेज फूड को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। और नए आने वाले व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक मोहम्मद इलीस को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।